तो और भाई लोग और उसकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। मैं हूं आजाद और आज ना कोई मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं और ना ही कोई गेम प्ले की वीडियो बनाने वाला हूं। मैं आज कोई हेल्प करने वाला हूं, मतलब देखो हेल्प उनकी करने जा रहा हूं जो बहुत बड़े हैं मुझसे, लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी, जब बोलते हैं ना कंकड़ डालो पानी में तो वो पानी घड़े के बाहर आ जाता है, तो वही बात है। यदि हम 10 लोग डालेंगे तो शायद एक बन जाए, पूरा घड़ा पानी बाहर आ सकता है। तो वही हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। एक चैनल है श्रेय वाईटी करके, तो मुझे एक बंदे ने, उसका नाम मैं बताता हूँ, लक्ष्य है, हाँ लक्ष्य ने मुझे एक वीडियो भेजा। मैं खाना बनाने के लिए जस्ट जा रहा था कि मुझे ये वीडियो, मतलब मैं इंस्टाग्राम चेक किया, लक्ष्य अधिमान कुछ शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, तो एक मैसेज आया, नहीं दिख रहा होगा शायद मोबाइल में, तो एक मैसेज आया मुझे कि भाई ये ऐसा चैनल है, कुछ हेल्प कर दो, इस पे 3 स्ट्राइक आई है। तो मैं जस्ट वो वीडियो खोल के देखा और मैं खाना बोला मैं साइड में रखो, पहले ये काम करो। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं खाना, अभी वीडियो कब तक अपलोड होगा, खाना कब तक बनेगा, 11 बज चुके हैं, फिर भी मैं बोला कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार एक चैनल को है ना 1 मिलियन, मतलब 1 साल की मेहनत है पूरी उस बंदे की, मतलब उसने दिन रात एक कर दिए होंगे इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं समझ सकता हूँ। और श्रेय तुम्हारा जो भी नाम हो, ये श्रेय वाईटी जो है चैनल, आपको बता दूं ये फ्री फायर का ज्यादा, और यहाँ पे कोई पबजी और फ्री फायर नहीं करेगा प्लीज। मेरे चैनल पे ज्यादातर लोग पबजी वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो पबजी और फ्री फायर दोनों एक गेम है, दोनों अलग अलग तरीके का गेम है। हाँ दोनों बैटल ग्राउंड का गेम है, लेकिन हाँ दोनों की अलग अपनी ग्राफिक्स है, जो चीज़ें हैं, आपस में मत लड़ो, इट्स अ गेम। हम सब जब पबजी चला गया था तब भी हम फ्री फायर खेलने की कोशिश किए थे। हाँ बहुत लोग खेल पाए थे, बहुत लोग नहीं खेल पाए थे उसको, तो वो अलग बात है, मैं भी नहीं खेल पाया था, बट हाँ। लेकिन हाँ रिक्वेस्ट है, कोई भी पबजी और फ्री फायर मत करना। वो बंदा जो है, उसके भी चैनल पे बहुत सारे पबजी के वीडियोस भी हैं, लेकिन वो न्यूज़ चैनल बनाता था, जैसे गेमर्स के जितने भी गेमर्स हैं उनके न्यूज़ चैनल बनाता था। और फ्री फायर का मतलब मेरे को लगता है कुछ नंबर 1 चैनल है, मे बी सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ फ्री फायर के देता है वो चैनल है श्रेय वाईटी। तो उनको मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये वीडियो हो सके तो उन तक पहुँचा देना, हाँ क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हाँ तो, लेकिन उन तक पहुँचा देना ये वीडियो। मे बी वो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, पहले मैं उनकी बातें सुना देता हूँ आप लोगों को। किसने मारा, क्यों मारा? नहीं, आगे से थोड़ा। मेरे को 2 या 3 मेरे चैनल में कुछ वगैरह करने होने वाला है, तो ये वीडियो मैं बस बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आया है। एंड क्या है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 2 या 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, एंड शायद 7 दिन के अंदर मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। सो किसने मारा, क्यों मारा, वो मुझे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं किसी से मैं वैसा नहीं हो कि किसी से कंट्रोवर्सी करता हूँ या फिर कुछ भी। ठीक है, आप में से जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरे को 10 या 11 महीने से फॉलो करते हैं, एकदम पुराने, उनको पता होगा कि मैं तो बस इनका यही कहना है कि 10 11 महीने से वो चीज़ें मत सुनो। तो इनका यही कहना है कि इसके चैनल पे 2 या 3 स्ट्राइक आए हुए हैं, और मैं इनको बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि ये स्ट्राइक एक ही इंसान ने 3 बार दिए हैं तो चैनल डिलीट नहीं होगा। ये मैं उनको पहले बता दूँ कि एक ही इंसान, हाँ एक ही इंसान ने यदि आपको स्ट्राइक दिया है 3 बार एक ही दिन में, तो ये चैनल डिलीट नहीं होगा। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है और मेरा चैनल अभी तक डिलीट नहीं हुआ है एक वाला, तो टेंशन ना लो। और हाँ हो सकता है कि डिलीट भी हो सके, अगली बार फिर से वो स्ट्राइक मारे तो डिलीट हो सकता है, बट हाँ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। उन्होंने बोला कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि किसने स्ट्राइक दिया, क्यों स्ट्राइक दिया। जब आप ये नहीं बताओगे ना, तो जनता जो आपसे प्यार करती है ना, उनको पता नहीं चलेगा। तो आप प्लीज या तो वो वीडियो बताओ कि किस वीडियो पे स्ट्राइक आया है, वो वीडियो आपके पास होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हाँ आप दिखा सकते हो कुछ चीजें जहां पे स्ट्राइक आई है। अब किसने दिया है
कैसे दिया वो जनता समझ लेगी खुद ब खुद, या फिर आप वो नहीं कर सकते हो, आप अपने कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो फिर जाके आप उनसे खुद रिक्वेस्ट करो, नहीं तो आप हमें बताओ, हम सब मिलके पक्का रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाने के लिए, इतना आसान नहीं होता ये सफर। वो लिटरली रो रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है, ये मैं सीरियसली बोल सकता हूँ, खुद से बोल सकता हूँ कि वो रो रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है उसमें कि उसने अपने मम्मी पापा दादा दादी को कितना समझाया, कितना मार खाया उसके लिए कि मेरे को यूट्यूब करना है, क्योंकि नहीं समझते हैं आज की पेरेंट्स, नहीं समझते हैं। आप लोग भी अभी यूट्यूब कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हो यूट्यूब कर रहे हो, यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन नहीं करने के लिए दे रहे हैं पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, या फिर उसमें उनको करियर नहीं लग रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन जो खुद यूट्यूब पे आके कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी सल्यूट है यार। लेकिन हाँ, प्लीज प्लीज, यदि श्रेय वाइटी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो प्लीज ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना। यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज, या तो आप रिक्वेस्ट करो या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो बंदा जरूर मानेगा यार। जो भी स्ट्राइक दिया है, 7 दिन का टाइम है आपके पास, यदि देखो 1 दिन में तीनों स्ट्राइक आए तो नहीं होगा कुछ, लेकिन हाँ प्लीज प्लीज आप बता दो नाम, हम रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करो, वो जरूर मान जाएगा यार। इतना भी बुरा नहीं है दुनिया, मान जाएगा। माफी मांग लो, यदि कोई चीज गलती हुई है आपसे तो माफी मांग लो, ये तो खत्म हो जाएगा। यदि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो आप आपस में ही फोन नंबर निकालो उनका, मांगो, किसी भी तरीके से मैसेज करो, वो मान जाएगा, पक्का मान जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, ये बहुत बड़ी मेहनत है, तो जाओ पक्का, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आप खुल के सामने से माफी मांग लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, या फिर वो छोटा नहीं हो जाएगा। यदि वो आप माफ कर देगा, तो वो माफ करने वाला हमेशा बहुत बड़ा होता है। तो प्लीज जाओ उनसे माफ मांग लो, यदि कोई चीज हुई है तो। ये स्ट्राइक मारी है, मेल आईडी उसका निकालो। हाँ, मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा आपको, आप 1 मिलियन वाले हो, मुझे पता है कि मैं 3,500 सब्सक्राइबर गेन करने में कितनी मेहनत की है, तो रात दिन खाना पीना भूल जाते हैं लोग, बहुत बड़ा सफर होता है, तो प्लीज इसको वेस्ट मत होने दो, प्लीज रिक्वेस्ट है। यदि आपको चैनल, वो लिटरली रो रहा है यार, मेरे को सीरियसली, मेरे को भी रोना आ जाएगा, तो मैं रोता नहीं हूँ, मेरे आंखों से आंसू नहीं आते, बट हाँ, तो जाओ प्लीज श्रेय वाइटी, यदि सुन रहे हो तो आप खुद रिक्वेस्ट करो, नहीं तो हमें नाम या कुछ मत बताओ। यदि नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हो, नहीं कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो आप खुद जाओ उनके पास, वो करो। और प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो वहां तक जरूर पहुंचा दो, श्रेय वाइटी के पास, जितना भी शेयर कर सकते हो, जितना भी उनको टैग कर सकते हो करो, हम जरूर हेल्प करेंगे। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी, मतलब पबजी के हो, फ्री फायर के हो, कोई भी बंदा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, बंदे की मेहनत बहुत बड़ी होती है यार, समझ में आता है, समझ में आता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर उन तक जरूर कर देना, और बाकी राम सलाम, मिलते हैं कल के दिन हम नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए कोई नए बंदे हो तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम भी जल्दी से आई होप 4,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें, ताकि हम भी रूम टूर लेके आ पाए। तो देखो उनको जरूर जाके कर देना, और उसने सेकंड चैनल का लिंक दिया, और मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, तो उनको जाके टैग कर सकते हो या फिर कमेंट्स कर सकते हो, जो भी करना हो। इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया मैंने उनके इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन पे, और उनके चैनल का, तो जाके उनको जरूर बता देना, ठीक है? और जाके कुछ भी कर दो यार, लेकिन स्पैम कर दो, और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके प्लीज कर ले, मान जाएगा। 100% मेल कर सकते हैं, उनका मेल आईडी निकालो, जो जो भी कॉपीराइट आपको दिया है, मेल आईडी निकालो, मेल पे मेल करो, या फिर उनका फोन नंबर निकालो, फोन नंबर, या तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सामने से मैसेज करता हूँ, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, या भी मे बी, तो पता नहीं आप करोगे कि नहीं, लेकिन हाँ प्लीज कर देना यदि आपको, तो मैं करके दे दूंगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपका चैनल सेफ हो जाए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू लक्ष्य, जिसने मुझे ये वीडियो भेजा था, थैंक यू।